नमस्कार, एमएचपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद अवस्थी। झज्जर में सामने आया एक ऐसा हादसा जिसे सुनने के बाद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। एक हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई और मौत का तरीका भी ऐसा रहा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। दो परिवारों में मातम है, लेकिन पूरे इलाके में इस बात की चर्चा भी हो रही है आखिर कैसे एक ही दिन, एक ही जगह, लगभग एक ही वक्त पैदा होने वाले बच्चों की मौत एक ही तरीके से, एक ही जगह कैसे हो गई। क्या वाकई इन बच्चों की नियति एक जैसी थी? क्या इन बच्चों की कुंडली में था कोई ऐसा योग जिसकी वजह से ये एक साथ पैदा हुए और एक ही साथ हो गई इन दोनों बच्चों की मौत? क्या वाकई इन बच्चों की कुंडली थी मौत की कुंडली? हम चर्चा करेंगे क्या वाकई इन बच्चों की कुंडली की वजह से तय हो गया था इनकी मौत का दिन। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं झज्जर में किस तरह जरा सी लापरवाही ने दो मासूमों की जान ले ली। एक शादी समारोह में कार चालक गाड़ी को अनलॉक छोड़कर चला गया। इसी बीच तीन बच्चे खेलने के लिए कार में बैठ गए, लेकिन सेंटर लॉक लग जाने की वजह से बच्चों का दम घुट गया और दो मासूमों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। एक छोटी सी लापरवाही ने दो मासूमों की जिंदगी छीन ली। एक छोटी सी लापरवाही दो मासूमों की मौत की वजह बन गई। मामला झज्जर जिले के डीघल गांव का है, जहां एक शादी समारोह के दौरान तीन मासूम बच्चे एक कार में खेल रहे थे, लेकिन इस दौरान गाड़ी का सेंटर लॉक लग गया जिसे मासूम खोल नहीं पाए और गाड़ी में दम घुटने से दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि तीसरे मासूम की हालत गंभीर है। मरने वाले दोनों मासूम ऋतिक और यकीन की उम्र 6 साल थी। इन दोनों मासूमों का जन्म भी एक ही दिन हुआ और दोनों की मौत भी एक ही दिन हुई। जी, मेरा लड़का यकीन है, अशोक का जी ऋतिक है, ये साथ ही पैदा हुए थे और साथ ही रहा थे 24 घंटे और साथ ही एक बार। इसमें किसी का दोष नहीं, ये खेलते हुए गाड़ी में जाते शादी थी मेरे घर में भतीजे की, और गाड़ी में चढ़ के अंदर से इन्हें गाड़ी लॉक कर ली, गाड़ी में गैस भर के इनका दम घुटते है, इसलिए दोनों ने दम तोड़ दिया। देखने के बाद में PGI ले जाए गए, तीन बच्चे थे, एक बच्चा उनमें सीरियस है और दो बच्चों ने रोहतक में बढ़ने लगे जब दम तोड़ा। कार चालक गाड़ी को अनलॉक छोड़ कर चला गया था जिसमें बच्चे खेलने के मकसद से बैठ गए, लेकिन सेंटर लॉक लगने की वजह से यह हादसा हुआ। ऐसे में मृतक के पिता ने लोगों से अपील की है कि गाड़ी लॉक करते वक्त लापरवाही ना बरतें और गाड़ी को हमेशा अच्छे से लॉक करें, ताकि जैसा हादसा उनके साथ हुआ वैसा हादसा और किसी के साथ ना हो। जी, गाड़ी में अपने बच्चों अपनी गाड़ी को कोई खड़ा करे तो जिसको लॉक लगाए और लॉक को लगा कर जी चेक करे, दूर से नहीं लॉक लगाए, रिमोट से लॉक लगाओ तो अपने को चेक करो और फिर बाद में गाड़ी खड़ी करो, नहीं तो कोई गाड़ी पैसे खड़ी मत करो, जैसे मेरे साथ घटना हुई है और भी उत्तर के साथ हो सकती है। दो मासूमों की मौत का ये मामला बेहद दर्दनाक है। एक जरा सी लापरवाही दो मासूमों की मौत की वजह बन गई। इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, ऐसे में जरूरत है तो गाड़ियों को लॉक करने में सावधानी बरतने की, ताकि किसी और मासूम के साथ ऐसा ना हो। MH1 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ झज्जर से सनी खन्ना की रिपोर्ट। तो पहली नजर में यह साफ साफ लापरवाही का मामला नजर आता है, एक दुखद हादसा जिसकी वजह से दो घरों के चिराग बुझ गए। लेकिन जब इस पूरे हादसे से जुड़े हुए संयोग पर निगाह डाली जाती है तो यह हादसा सिर्फ एक हादसा नजर नहीं आता। इस हादसे के साथ जुड़े नजर आते हैं कुछ ऐसे तथ्य जिनको नजरअंदाज करना मुश्किल लगता है। एक साथ पैदा हुए बच्चों की मौत एक साथ एक तरीके से हुई है और घर वालों ने दोनों बच्चों को एक ही चिता पर उनका दाह संस्कार भी कर दिया, लेकिन इन बच्चों के साथ जुड़े संयोग इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना रहे हैं। क्या वाकई इन बच्चों की मौत का इनकी कुंडली का कोई संबंध है? क्या वाकई जिस तरह कहा जाता है कि एक जैसी कुंडली वालों के साथ एक जैसी घटनाएं होती हैं, इन बच्चों के साथ भी वही हुआ? सुनते हैं एक बार क्या कहा पिता ने इस पूरे मामले पर। जी, मेरा लड़का यकीन है, अशोक का जी ऋतिक है, ये साथ ही पैदा हुए थे
और साथ ही रहा 24 घंटे और साथ ही एक्सपायर। तो भारतीय ज्योतिष इस पूरे मामले में क्या कहता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य आचार्य आर के भारद्वाज जी। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे खबर को आपने देखा होगा, इस खबर के साथ ऐसे ऐसे तथ्य जुड़े हैं जिनकी वजह से ज्योतिष के बारे में लोग बात कर रहे हैं, आसपास के जो लोग हैं वो बार बार ये बात कर रहे हैं। आखिरकार क्या यह संभव है कि एक साथ एक ही जगह एक ही वक्त में पैदा हुए बच्चों की मौत भी एक साथ हो गई, क्या इसके पीछे कोई कुंडली का तथ्य है, सितारे सब तय करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान अधूरा होता है। आज के जमाने में लोग कमर्शियल विद्याएं लेनी शुरू करती हैं, भाई हमारे बच्चे पैसे कमा लें, मगर वो भारतीय आध्यात्मिक विद्याओं को सही तरीके से लोगों ने नहीं पढ़ा। अगर भारतीय विद्याओं को ढंग से पढ़ें, जिसे हम ज्योतिष कहते हैं, मौत का स्थान, जन्म का स्थान, किसके साथ मौत होगी, किस समय होगी, किस हालात में होगी, किस समय होगी, ये सब चीज़ें निश्चित होती हैं। मैं ये नहीं गलत कह रहा हूँ, जो लोग ज्योतिष को वास्तविक तौर पर जानते हैं, मैं ढोंगियों को नहीं कहता, जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं वो जानते हैं कि ये सब चीज़ें निश्चित होती हैं। बिल्कुल, क्या इस पूरे मामले में भी आपको लगता है कि दोनों बच्चे एक साथ पैदा हुए, इनकी कुंडली क्या एक जैसी बनी होगी, क्योंकि एक जगह पैदा हुए हैं, एक साथ पैदा हुए हैं, लगभग वक्त भी एक है, तो क्या इनकी कुंडली एक जैसी बनी होगी, और क्या इसी वजह से जो इनकी मौत भी हुई है वो एक ही तरीके से हुई है, ये सब चीजें तय हो जाती है, क्या इस बात में कोई सच्चाई लगती है? आपने जो कहा बिल्कुल सही है, इसकी इनकी कुंडली के साथ साथ इनके माता पिता की कुंडली का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि दोनों के माता के पिता को एक ही समय में इस दुख का भोग करना पड़ेगा, संतान का दुख, ठीक, और संतान को उन बच्चों को एक साथ जाने का योग बना, और योग का मौत का कारण दम घुटना, ठीक। इसी तरह से अगर जन्म कुंडली का विधिवत विवेचन किया जाए तो जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो ज्योतिष के विद्वान हैं, अत कचरे ज्योतिषियों के बारे में मैं नहीं कहता, उन्हीं की व्याख्या से ही लोगों का ज्योतिष के प्रति विश्वास उठा। जो लोग ज्योतिष को जानते हैं अगर वो विधिवत अध्ययन करेंगे, यही विषय अध्ययन के होते हैं कि इन दोनों की कुंडली में मौत का कारण क्या था, समय क्या था। बिल्कुल आचार्य जी, हमारे साथ सनी खरा हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं क्या क्या संयोग है। सनी, ये पूरी रिपोर्ट हमने आपकी देखी, कई संयोग ऐसे निकल कर सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं सवाल पैदा कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या महज ये एक संयोग था, या जिस तरह से कहते हैं भारतीय ज्योतिष में अगर आप एक साथ पैदा हुए हैं तो शायद आपकी कुंडली जो है वो एक साथ चलेगी, क्या क्या संयोग ऐसे हैं जो इन दोनों बच्चों में कॉमन आपको दिखाई पड़ते हैं? देखिए सर, निश्चित तौर पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैच करती हैं दोनों बच्चों की, तो जिस तरह से कहा जा रहा है, हमारे ज्योतिष जी कह रहे हैं, वो भी एक मायने रखा जा सकता है। तो जिस तरह से इनके जो आपस में जो चीजें मैच हुई थी, एक ही दिन ये पैदा हुए, उसी समय रात का ही समय था दोनों जब पैदा हुए और हमेशा साथ रहते थे, और आज जब इनकी जो डेथ हुई वो भी एक ही समय के दौरान हुई, और भी बहुत सी सारी चीजें जो है जब मैच करती है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है, तो कुल मिलाकर कहा जाता है एक क्षण का। और सबसे बड़ी बात, आज जो परिजन उनके भी यही मान रहे हैं जो हमारे ज्योतिष जी बता रहे हैं, और आज भी उनको एक ही चिता में है, दोनों का दाह संस्कार कर दिया गया है। सर अजय जी, आपने सुना होगा, सन्नी बता रहे हैं कि एक ही चिता में संस्कार भी कर दिया गया, और ये बात आसपास के लोग भी मान रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा करके हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे, क्या ऐसा लाजमी है कि अगर कोई एक साथ पैदा हुआ है, एक ही जगह पैदा हुआ है, उसकी कुंडली एक जैसी बनी है, तो उसकी मौत भी एक तरह की होगी, क्या ये होता है या फिर ये सिर्फ एक संयोग आपको लगता है? देखिए, अगर एक माँ के जुड़वा बेटे हो गए तो इसका मतलब नहीं कि दोनों एक साथ मरेंगे जी। एक चीज पहले अगर ज्योतिष में देखा जाए तो ग्रहों का बलाबल होना, दूसरे का सातवें घर का, अगर चंद्र कुंडली लगन की है तो उसके लगन का, फिर उसके दूसरे का, फिर उसके सातवें का, ये जो ग्रह होते हैं ये कितने बलवान हैं, और कितने बलवान होके फिर ये गणना की जाती है कि क्या पूर्ण मार केस हुआ कि नहीं हुआ। अगर ज्योतिष का सही विद्या को जानने वाला है तो एक विद्या इसमें होती है जिसे बोलते हैं आयु संसाधन, जो आयु संसाधन को जानने वाले हैं वो मिनटों और घंटों का हिसाब निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों बच्चों की जन्मपत्री या कुंडली या समय एक जैसा पता हो तो उसका साबित किया जा सकता है
कि दोनों एक साथ क्यों मरे। नहीं तो ये रीजन नहीं है कि एक साथ पैदा हो गए तो मर जाएंगे। अगर एक माँ के बेटे हो गए मगर दोनों के अंदर कुछ सेकंड का फर्क रहता है और वो अपने किस कर्म से ग्रह को बलवान करते हैं या ग्रह को कमजोर कर लेते हैं। और इसी तरह से ही जैसे हर एक लग्न का अलग अलग मार्केस होता है और वो मार्केस कब इकट्ठा होगा, किसके साथ मिलेगा। जैसे कि आप अगर युद्ध में देखें, राम रावण का युद्ध चल रहा था और बताया गया कि रावण का पूर्ण मार्केस आ गया है। अब इस वक्त रावण को पूजा से बाहर निकालो ताकि अब मार लें। रावण को बाहर निकाला और उन्होंने उसको मार दिया। बिल्कुल, मतलब ये चीजें भी देखी जाती है ज्योतिष में। सनी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सनी, आप लगातार उस गांव में गए, दोनों बच्चों के परिजनों से आपने बातचीत की, क्या बातें कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं और आसपास के जो लोग हैं उनकी जुबान पर किस तरह की बातें? देखिए सर, अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो लोगों के मन में पूरा घटनाक्रम क्योंकि एक तरह से उसमें शादी का माहौल था और शादी समारोह में ये मौसम की घड़ी आई तो कहीं ना कहीं दुखदायी घटना है। नहीं, इस सहयोग की बात, दोनों बच्चों के सहयोग की बात, वो भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। गाँव के लोगों की जुबान पर ये शब्द भी जरूर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुंडली का भी कोई ऐसा रहस्य है, जिस तरह से हमारे ज्योतिष बता रहे हैं कि एक ही समय में वो पैदा हुए और एक ही, मतलब बहुत सारी चीजें जो मैच कर रही हैं, तो वो बातें भी लोगों की जुबान पे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जो है, अब की स्थिति की बात की जाए तो काफी दुखदायी माहौल है, गमगीन माहौल है, क्योंकि दो शादियां एक साथ होने थी, एक लड़की की शादी थी, एक लड़के की शादी थी और उस मौके पर इस तरह की घटना सामने आती थी, कहीं ना कहीं एक दुखदायी है और इस तरह की भी कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से हमारी जोरिया जो हमारे महान भाव यहाँ बैठे हैं हमारे चैनल में, जिस तरह से वो कयास लगा रहे, ये चीजें भी जरूर लोगों के दिमाग में चल हैं। तो बिल्कुल कयास इस तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह बात भी आचार्य आर के भारद्वाज ने साफ कर दी है कि ऐसा नहीं, क्योंकि जुड़वा बच्चे भी एक साथ पैदा होते हैं लेकिन उनकी मौत का वक्त एक साथ मुकर्रर नहीं होता। वह छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या भारतीय ज्योतिष में ये भी मालूम किया जा सकता है कि क्या वजह थी जो दोनों बच्चे एक साथ मरे, क्या ज्योतिष के हिसाब से जो कुछ होना था वो उनके कुंडली में लिखा होगा या फिर महज एक संयोग था। यह वह छोटे से ब्रेक का।